हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खास क्या है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और अगर आप एसक्यूएल व्यू में काम करना चाहते हैं तो आपको कैसे जाना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको नए डेटाबेस का नाम आ जाएगा। आप चाहे तो इस नाम को बदल भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ से चेंज कर लीजिए, लेकिन फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। हमारा डेटाबेस बन चुका है, लेकिन अभी हम इस टेबल को करेंगे क्लोज, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, एसक्यूएल व्यू में। तो क्रिएट पे चलेंगे और यहाँ मिलेगा क्वेरी डिजाइन, तो इस क्वेरी डिजाइन पे आ जाएंगे और यहाँ मिलता है एसक्यूएल व्यू, तो यहाँ पे चले चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट, देख सकते हैं सेलेक्ट आ रहा है ना, इस सेलेक्ट को हमें देना है हटा, यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर जो भी आपको टेबल बनानी है, जो भी करना है यहाँ पे करना है, तो यहाँ पर वो क्वेरी लिखेंगे जिसकी मदद से टेबल बन जाएगी। ठीक है, कैसे, यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल इस तरीके से और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर फील्ड नेम देना है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये दे दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप दे दिया, टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट देने के बाद कॉमा देंगे, फिर उसकी प्राइस दे देंगे, तो ये प्राइस हो गया PRICE। ठीक है, प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहाँ रख दिया करेंसी डेटा टाइप, ये करेंसी। ठीक है, फिर कॉमा दे देंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे यूनिट, UNIT, यूनिट कर दिया। और यूनिट कौन सा डेटा टाइप होगा, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये फ्लोट लिख करके बंद करके और टर्मिनेट कर दीजिए, काम हो जाएगा, रन करा देंगे तो। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है सिंटेक्स एरर, तो क्यों सिंटेक्स एरर आ रहा है इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल का नाम नहीं दिया गया, क्रिएट टेबल लिखने के बाद आपको टेबल का नाम देना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट टी, ये प्रोडक्ट टी टेबल का नाम है। आप यहाँ से रन करवा दीजिए, काम हो गया, ये प्रोडक्ट टी नाम से टेबल बन गई है। लेकिन यहाँ पर आप डेटा तो एंटर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड, एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया कीबोर्ड, और यहाँ पे प्राइस लिख दिया 200 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट लिख दिया 5, तो ये 5 लिख दिया। लेकिन अभी हमने इसको मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, तो दूसरी एक क्वेरी बनानी होगी। कैसे, यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, वापस जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर और यहाँ पर दूसरी क्वेरी बना लेंगे यहाँ से जाकर के। तो ये आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट कीवर्ड लिखना होगा, सेलेक्ट कमांड लिखना होगा, और सेलेक्ट कमांड लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस और यूनिट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमा प्राइस PRICE, कॉमा यूनिट UNIT, और कॉमा लगाने के बाद यहां पर क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है इस तरीके से। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर यहां पर देना है हमें प्राइस PRICE, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, यूनिट से, UNIT, ये हो गया इस तरीके से। और इसको फील्ड को नेम आप दे सकते हैं एज टोटल, टोटल कर देते हैं वैसे से। और ये करने के बाद क्या करना है, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम देना है आपको, टेबल। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये टेबल नहीं रहेगा, प्रोडक्ट ही रहेगा सीधा सीधा, और यहां से रन करवा दीजिए। रन करवाएंगे तो यहां पर टोटल आपको होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब ये क्वेरी बन गई। अब क्वेरी बनने का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जो भी आप एंटर करेंगे, जैसे यहाँ लिखा मॉनिटर, ये लिखा मॉनिटर, और यहाँ पर मॉनिटर की प्राइस है 5000 रुपए, और यहाँ पे जो भी है 6 है, तो यहाँ पे टोटल अब अपने आप होता चलेगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पावर केबल, पावर केबल, तो इसकी प्राइस है 500 रुपए, यहाँ 500 रुपए डाल देते हैं 500। ठीक है, और ऐसे ऐसे 55 कर दिया, तो यहाँ देखिए टोटल प्राइस अपने आप होती चलेगी। ठीक है, तो ये खूबी है एक्सेस की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी बात, अगर प्रैक्टिकल में भी पूछा जाए तो भी आप आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है ना, ओके।